हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भौतिक करियर क्लासेस पर। देखिए, एमपी कांस्टेबल के चौथे पेपर के साथ मैं आज आपके साथ जुड़ रहा हूँ। इससे पहले तीन पेपर मैंने पूरी तरह से सॉल्व करके आपके लिए रख दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक रखी हुई है, जाके उनको ज़रूर देखें। चौथा पेपर जो कि बेसिकली 2 फरवरी को हुआ था, उसके शिफ्ट सेकेंड हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। भाई, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इससे आपके आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन बैठने के चांस या पैटर्न सेम बैठने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए, बिना समय खराब करें हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, हाँ जी, सेलेक्ट द ऑप्शन या नंबर विच इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर इन द सेम वे एज सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। उस संख्या विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो भाई, 8 से आया 26, 8 से 26 कैसे आता है, 8 से 24 और 2 26। 28 का क्या आएगा, 28 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 8 24 हासिल 2, 3 2 6 और 2 8। 84 में मैं जोड़ूंगा 2 तो ये बन जाएगा मेरे पास 86, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख ईंधन कोयला और पेट्रोलियम के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। देखिए, कोयला जो है वो भी ईंधन है, पेट्रोलियम जो है वो भी ईंधन है। इसका मतलब ईंधन के अंतर्गत कोयला और पेट्रोलियम दोनों होने चाहिए और कोयले और पेट्रोलियम का आपस में कोई लेना देना होता नहीं है, इसलिए आपका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वायु जल और मिट्टी, देखिए जो हमारे मूल पंच तत्व हैं उनमें से ये 3 तत्व हमारे सामने लिख दिए गए हैं और किसी का भी किसी अन्य से कोई सीधा लेना देना नहीं है, इसलिए जो आंसर बनेगा वो बनेगा दूर दूर के गोले, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिखता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवीना ने कहा। चलिए मान लीजिए महिला है, इस महिला की ओर इशारा करते हुए रवीना कहती है, उसके पुत्र के पिता, मतलब महिला के पुत्र के पिता, मतलब महिला के कौन हो गए भाई, महिला के हो गए पति, ठीक है, मेरे पिता मतलब रवीना के पिता, मेरे पिता के दामाद। अब ये जो व्यक्ति है इसका दामाद है ना, तो यहां से हम लोग कह देंगे कि अगर ये दामाद है तो ये इसकी पुत्री होगी और रवीना भी इसकी पुत्री है, मतलब दोनों आपस में बहनें होंगी। रवीना उस महिला से किस प्रकार संबंधित है प्रश्न पूछता है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है बहन। अगला प्रश्न, नीरज पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, तो भाई यहाँ से चलना चालू करा, पूर्व दिशा हम उस तरफ मानते हैं, कितना चला 20 मीटर, दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, भाई दाएं नीचे की तरफ 10 मीटर यहाँ पहुंचेगा। अब वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, भाई अगर वैसे नीचे की तरफ जा रहा था तो बाएं मतलब इस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ा कितना चला 20 मीटर। प्रश्न ये है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, कोई प्रारंभिक बिंदु ये है और इसके संदर्भ में इसकी जो दिशा है वो नीचे की तरफ है, कहने का मतलब अगर ये प्रारंभिक बिंदु है तो वो इस प्रकार की दिशा में है और ये दिशा कहलाती है हमारी दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट। ऑप्शन देखते हैं, साउथ ईस्ट ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या बोलता है, संख्याओं या अक्षरों की एक निश्चित श्रृंखला दी गई है, एक श्रृंखला खाली है, आपको यह तय करना है कि मूल रूप से उस श्रृंखला के अनुक्रम से रिक्त संबंध में कौन से वैकल्पिक श्रृंखला उपयोग किया जाएगा, ठीक है, बेसिकली हमें श्रृंखला पूरी करनी है। तो देखिए, यहाँ पर एक छोड़कर एक देखना ज्यादा उचित रहेगा, ए बी सी डी ई, तो अगला क्या आना चाहिए, एफ, मतलब ये वाला जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर एफ आना चाहिए। अंकों की मैं बात करूं तो ए पहले नंबर पर आता है, बी दूसरे नंबर पर आता है, तो इसी प्रकार एफ छठे नंबर पर आता है। एक बार ऑप्शन पर नजर मारे तो सभी ऑप्शन का पहला F6 ही लिखा हुआ है, तो अभी मैं आंसर तक नहीं पहुंच सकता। इधर देखते हैं सेकंड क्या चल रहा है, देखिए सेकंड उल्टा चल रहा था, कैसे, V W X Y Z, तो V से पहले हमारा क्या बनता है U, तो सेकंड क्वेश्चन मार्क जो है हमारा यहाँ पर बनेगा U और U की जो पोजीशन होती है वो होती है 21। ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित
आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। क्या श्रृंखला है? तीन भुजाएं, चार भुजाएं, पांच भुजाएं, छह भुजाएं। तो अगला जो हमें चाहिए वो सात भुजाओं वाला चाहिए। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा, इसकी भुजाएं बाद में गिनते हैं। इसमें भुजाएं देख लेते हैं भाई, ट्राइंगल बना हुआ है तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये तो बहुत सारी हो जाएंगी, ये भी आंसर नहीं होगा। जबकि इसमें देखिए आठ भुजाएं हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। इसलिए सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर दो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। हाँ जी, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में आगे आएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। बेसिकली दो प्रकार के चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है, एक है हमारा क्रॉस और एक है हमारा स्क्वायर। इनमें से किसी एक को पकड़ के हम लोग चलते हैं। पहले वाले में क्रॉस यहाँ था, दूसरे वाले में यहाँ आया, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि इसका विपरीत जो है वो ये वाला खांचा होना चाहिए और इसमें घड़ी की सुई की दिशा में बढ़ा। ठीक है, फिर यहाँ से कैसे गया भाई? यहाँ से ये पहुंचा है इस वाले ब्लॉक में, इसका मतलब इसके विपरीत ये है और घड़ी की सुई की दिशा में ये एक्स आया। फिर ये पहुंचा यहाँ पर, तो ये कैसे जाएगा? इसके विपरीत ये है और घड़ी की सुई की दिशा में एक्स आया। तो अगला क्या होना चाहिए? इसके विपरीत ये और घड़ी की सुई की दिशा में अगला डब्बा, मतलब यहाँ पर एक्स होना चाहिए। एक्स की जगह देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमें मिल रहा है। पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। इसलिए हमारा जो सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर दो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ जी, प्रश्न कुछ इस प्रकार से, श्रृंखला अक्षर समूह का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए श्रृंखला के प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो श्रृंखला की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करिएगा। चलिए क्वेश्चन पर नजर मारते हैं। डी से आया बी, बी से आया जेड, जेड से आया एक्स, मतलब घटते क्रम में ये चल रहा है। या अगर मैं इस तरफ से देखूं तो क्या बनेगा? एक्स वाई जेड, जेड के बाद ए और बी, बी के बाद सी और डी। अगर मैं इस तरफ से चलूंगा तो पहला अक्षर माइनस दो कर कर आ रहा है, तो एक्स में अगर मैं दो कम करूंगा, एक्स होता है मेरा 24 नंबर पर, है ना, और दो कम करूंगा तो मेरा आएगा 22, और 22 होता है मेरे पास बी। तो पहला आंसर मेरा कभी नहीं हो सकता। दूसरे पे नजर मारते हैं, दूसरा क्या बोलता है? पी एम, पी 16, एम 13, जे 10, जी 7। तो भी सेकंड में माइनस तीन चल रहा है, साथ में तीन माइनस करूंगा चार, और चार होता है मेरा डी, मतलब सेकंड ऑप्शन पर मुझे डी चाहिए, तो सी भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब लड़ाई इस पी और एस की है, इस पे नजर मारते हैं। आई होता है मेरे पास 90 नंबर पर, ई होता है मेरे पास 5वें नंबर पर, ए होता है मेरे पास 1वें नंबर पर, और फिर डब्ल्यू जो होता है ये होता है मेरे पास 23वें नंबर पर। तो यहाँ पर बेसिकली माइनस चल रहा है, कैसे? 9 माइनस 5 चार, माइनस चार, और ये भी बेसिकली माइनस चार ही है क्योंकि ए का कोड 1 भी होता है, साथ ही साथ 27 भी होता है। जेड के बाद जब मैं ए जाऊंगा, जेड 26 होता है, तो वापस मैं ए को 27 भी कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली माइनस चार चल रहा था, 23 में अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो मेरे पास आना चाहिए 19, और 19 होता है मेरा कोड एस का, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चार अक्षर समूह में से तीन एक निश्चित तरह के हैं, एक अलग है, भिन्न को चुनिएगा। चलिए कोड डाल के देख लेते हैं, नंबर डाल के देख लेते हैं। जे 10, एन 14, एस 19, वाई 25। क्या चल रहा है? प्लस चार प्लस चार, देखिए यहाँ पर बना 10 प्लस 4, 14 प्लस 5 और 19 प्लस 6। सेकेंड में देखेंगे G7, J10, M13 और P16, ये बनता है प्लस तीन, ये बनता है प्लस तीन, और ये बनता है मेरे पास प्लस का तीन। ओके, अगले में चलते हैं। C का कोड बनेगा बेटा 3, G होता है 7, L होता है 12 और R होता है 18। इसमें लॉजिक देखते हैं, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18। पहला और तीसरा मेरा एक जैसा है, तो आंसर सेकंड वाला होना चाहिए, वो विषम है। चले लेकिन फिर भी नीचे वाला करके देख लेते हैं। ई हमारे पास 5 होता है, आई हमारे पास 9 होता है, एन होता है 14, टी होता है 20। क्या लॉजिक चलेगा? +4 +5 +6। तो अब मेरे पास पूरी श्योरिटी है कि जो +3 वाले ऑप्शन हैं वो अलग हैं, तो आंसर बनेगा GJMP। नेक्स्ट देखते हैं, विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए। अबे विषम संख्या युग्म अगर हम लोग यहां से निकालें तो क्या बनने वाला है?
और नौ को जोड़ने पर 16 आता है, 6 और 2 को जोड़ने पर 8 आता है, 9 और 2 को जोड़ने पर 11 आता है, 8 और 5 को जोड़ने पर 13 आता है। इसलिए जो अलग है वो ये है, यहाँ पर होना चाहिए था 8। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। अगर अब हम लोग यहाँ पे देखें तो भाई 13 जो है एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, जबकि 87 जो है 8 और 7 को जोड़ूंगा 15, अर्थात ये 3 से विभाजित होगी, तो 87 हमारी भाज्य संख्या है, इसलिए ये मेरा सही जवाब बनने वाला है। अगला प्रश्न, मयंक ने कहा, मयंक क्या कहता है, मेरी माँ रजत के भाई की बहन है। तो भाई ये मयंक यहाँ पर बनाता हूँ मैं, मयंक कहता है मेरी माँ रजत के भाई की बहन है। इसका सीधा सीधा मतलब है रजत की भी बहन है, रजत का मयंक से क्या संबंध है? तो माँ का भाई जो होता है वो मामा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या प्रश्न कहता है, मुख्य कथन और उसके बाद चार कथन है, कथनों का क्रमिक युग्म चुने, जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है और दो कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संबंधित। मुख्य कथन क्या है, अगर मेरी माँ रात का खाना बनाती है तो वह मेरे लिए अतिरिक्त पनीर सजाती है। यहाँ पर देखिएगा अगर से स्टार्ट हुआ है, तो बेसिकली मेरी माँ रात का खाना बनाती है तो मेरे लिए अतिरिक्त पनीर सजाती है, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और अगर माँ ने खाना नहीं बनाया होगा तो अतिरिक्त अतिरिक्त पनीर नहीं सजाया होगा, ये कॉम्बिनेशन भी ओके है। चलिए देख लेते हैं क्या मिलता है। मेरी माँ ने रात का खाना बनाया तो मेरा भोजन अतिरिक्त पनीर से सजाया गया है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है ए और सी। लेकिन जब मैं ऑप्शन में जाता हूँ तो देखिए ए और सी जैसा मुझे कुछ नहीं दिखता, तो अल्टरनेट कॉम्बिनेशन मेरा हो सकता है बी का और डी का, कि मेरी माँ ने रात का खाना नहीं बनाया तो मेरा भोजन अतिरिक्त पनीर से नहीं सजाया गया है। क्या बी और डी का कॉम्बिनेशन मुझे कहीं दिखता है? हाँ जी बिल्कुल दिखता है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रश्न का ये सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप या तो जिम्मेदार हैं या कठोर हैं, ठीक है, तो आप जिम्मेदार हैं इसके साथ क्या जाना चाहिए, आप कठोर नहीं हैं, आप कठोर हैं आप जिम्मेदार नहीं हैं, ये ऑप्शंस बन सकते हैं। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ए के साथ डी होना चाहिए, और देखिए डी और ए मुझे साथ में दिख रहा है, आप कठोर नहीं हैं आप जिम्मेदार हैं, इसलिए सही आंसर जो बनेगा वो मेरा बनेगा डी ए। बी और सी का कॉम्बिनेशन कहीं भी दिया गया नहीं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं, कार्ड या तो मानव संसाधक या प्रबंधक द्वारा वितरित किए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, अगर कार्ड एचआर द्वारा वितरित किए गए थे तो कार्ड प्रबंधक द्वारा वितरित नहीं किए गए थे, या फिर कार्ड प्रबंधक द्वारा वितरित किए गए थे तो एचआर द्वारा वितरित नहीं किए गए होंगे। ऑप्शंस पे चलते हैं, ए और डी हो सकता है क्या? बिल्कुल डी और ए का मुझे कॉम्बिनेशन मिलता है। कहीं बी और सी है क्या? नहीं है, इसलिए सही जवाब बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। भाई ये फ्री के अंक हैं आपकी परीक्षा में, इनको जरूर ले जरूर पढ़ें और अच्छे से सॉल्व करें। चलिए, तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से। ओके कर लेते हैं, ये कैसे आ रहा है, जी एच आई मतलब दो जोड़ दिया, फिर एन ओ पी मतलब उल्टा दो जोड़ दिया, या ये कह लीजिए इस तरफ से जाऊंगा तो दो माइनस कर दिया, फिर एल एम एन मतलब फिर से दो जोड़ दिया और यहाँ पर दो माइनस कर दिया। इसी प्रकार से डब्ल्यू दो जोड़ूंगा तो डब्ल्यू एक्स वाई, आई दो माइनस करूंगा तो जी एच आई, डी दो जोड़ूंगा डी ई एफ, और जेड दो माइनस करूंगा एक्स वाई जेड, आंसर होना चाहिए वाई जी एफ एक्स, वाई जी एफ एक्स ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिया है। अगला प्रश्न, पौधे का उगने से जिस प्रकार का संबंध है वही संबंध आपका आग का जलने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भाई टीचिंग को लिखा जाता है चीटिंग, तो बताइए ग्रेडियंट को क्या लिखा जाएगा, थोड़ा सा लिख के करेंगे हम लोग इसको। टीचिंग टी ई ए सी एच आई एन जी, इसको लिखा गया चीटिंग सी एच ई ए टी आई एन जी, जो शब्द टीचिंग में थे वही के वही शब्द चीटिंग में आए हैं,
तो बेसिकली इसमें क्या हो गया होगा, इनके जो पदानुक्रम है उनको चेंज किया गया होगा, इनके ऑर्डर चेंज किए गए होंगे। देखते हैं क्या ऑर्डर चेंज किए गए। भाई टोटल 8 हैं, इनमें ये तीन और ये तीन तो रखें, सी एच को उठा के आगे लिख दिया, और पीछे का आई एन जी देखिए एज इट इज कॉपी है। तो जिसका मुझे कोड निकालना है वो शब्द कौन सा है मेरे पास, ग्रेडियंट, पहले मैं उसको लिख के देख लेता हूँ, और इतना हिस्सा जमा के देखते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में पहले तीन और आखिरी तीन छोड़ते हैं, डी और आई को हम लोग कहाँ लिख देंगे, आगे, और आखिरी तीन ई एंड टी हमारे पास ऐसे रहेंगे। एक बार ऑप्शन पे नजर मार लेते हैं, तो भाई डी आंसर आपका कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में आर और ए है, आखिरी में मुझे ई एन टी चाहिए, तो इसमें भी ई एन टी है, इसमें भी ई एन टी है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बीच वाले एलिमेंट्स की अगर हम लोग की तरफ हम लोग चलते हैं, तो ई ए टी कैसे आया, सेकंड वाले को यहाँ लिखा तो सेकंड वाला आर मैं यहाँ लिखूंगा, अगला ए जो है उसको यहाँ लिखा है ना, तो मैंने आर को यहाँ लिख दिया, ए को यहाँ लिखूंगा, क्या बचा, जी। तो डी आई आर ए जी, डी आई आर ए जी जी ई एन टी, ऑप्शन नंबर ए मेरा इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या प्रश्न है, 40 रोगियों के एक तीर में तीर नहीं होना चाहिए, रो रो मतलब कि देखिए ट्रांसलेशन की बहुत ज्यादा एरर थी, रो जो है उसको तीर भी कहा जा सकता है, पंक्ति होना चाहिए था यहाँ पर, निया दाएं छोर से 26। तो भाई निया जो है वो दाएं छोर से 26वें स्थान पर है, कुल 40 लोग हैं तो बाएं छोर से वो 15वें स्थान पर होगी, क्योंकि तो इन दोनों को जोड़ने पर 40 से एक ज्यादा आता है। सोनिया बाएं छोर से 26वें स्थान पर, तो सोनिया बाएं छोर से 26वें स्थान पर है, उनके बीच कितने मरीज हैं, तो 15 और 26 के बीच मरीजों की कैसे संख्या निकालेंगे, 26 में से 15 माइनस करेंगे जो कि बनेगा 11, और उसमें एक और कम कर देंगे, आंसर बनेगा 10। एक कम क्यों करते हैं, क्योंकि जब 26 में से 15 माइनस करा तो ये तो बाहर हो गया, लेकिन 26 बाहर नहीं हुआ, मुझे इसको हटाना था इसलिए मैंने एक कम करा, 10 आंसर होना चाहिए। और जैसा कि अक्सर इन प्रश्नों में हो रहा है, आपके जो रैंकिंग वाले प्रश्न हैं उनके उत्तर काफी ज्यादा गलत हैं, यहाँ पर भी ये बात गड़बड़ है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। निया जो है वो दाएं छोर से 26वें स्थान पर है, तो भाई निया दाएं छोर से 26 है, कुल 40 है, दाएं से अगर 26वीं है तो बाएं से 15वीं होगी, सोनिया बाएं और निया दाएं छोर से 26वें और सोनिया बाएं छोर से, ओके देखिए मैंने प्रश्न गलत पढ़ लिया था, मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पे हिंदी में छपा ही नहीं था, सही ये है कि सोनिया 12th फ्रॉम द लेफ्ट है, माई मिस्टेक, सोनिया बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, अभी ठीक है। तो भाई सोनिया बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, निया बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, और अब अगर दोनों के बीच लोग निकालने हैं तो कितने बनेंगे, 2, 15 में से 12 माइनस करूंगा 3, उसमें एक और कम करूंगा 2। हिंदी में टाइपिंग एरर थी इस वजह से गड़बड़ हो गई, पहले प्रश्न मैंने सॉल्व करे नहीं थे, लेकिन पिछले पेपर्स मैंने देखे हैं वहां पर रैंकिंग के क्वेश्चंस गलत काफी ज्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 10वें स्थान पर, अगर भाई दाएं से 10वां होगा तो बाएं से 26वां होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर 35 से एक ज्यादा आना चाहिए, बाएं छोर से एक ही रैंक ज्ञात कीजिए, तो बाएं छोर से एक ही रैंक 26 बन गई, आसान सा प्रश्न। हाँ जी, पासे के क्वेश्चन तो हमारे फिक्स हैं, क्या बोलता है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थिति दिखाई गई है, पासे पर 6 चिन्ह हैं, चिन्ह बीटा के सामने क्या आएगा, बहुत आसान प्रश्न है, देखिए बीटा के सामने क्या आएगा, दोनों में बीटा कॉमन है, अब भाई जो बीटा के साथ आ गया वो बीटा के विपरीत कभी नहीं आ सकता, जैसे सिग्मा ये आंसर नहीं होगा, यानी पी जैसा फिगर ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आ गया था है ना, सिग्मा आ गया था, वाई जैसा ये, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्या बचता है, इन्फिनिटी, तो ये आपका आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्या बोलता है, खुले घन के आधार पर कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, खुला घन बंद करना है, तो एक बार कॉन्सेप्ट पे आज वापस चर्चा करते हैं बेटा, तो अल्फा और बीटा आमने सामने होंगे, एक छोड़कर एक जो एलिमेंट होता है वो आमने सामने होता है, 5 और 10 आमने सामने होंगे, और ये वी जैसा फिगर और 15 ये आमने सामने होंगे, जब ये फिगर बंद होगा तो तीनों लाइन में से एक एक एलिमेंट उठना चाहिए, यहाँ पर है 10 वी 5, तो 10 वी और 5 दो लाइन में से तीनों आ गए, आंसर नहीं होगा, बीटा अल्फा और वी, बीटा अल्फा और वी ये भी आंसर नहीं होगा,
बीटा 15 और वी, भाई बीटा 15 और वी ये भी आंसर नहीं होगा। क्या बचता है 10 अल्फा और वी, 10 मतलब ये, अल्फा मतलब ये और वी मतलब ये, तीनों लाइन से एक एक एलिमेंट है, तो ये हमारा सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में टेस्ट को ये लिखा जाता है, तो बताइए इसमें आपको क्या लिखा जाएगा। आसान सा प्रश्न था, अगर आप ध्यान से देखें तो कोड करते हुए यहाँ पर चार ही शब्द थे, जबकि यहाँ पर शब्दों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गई है। तो बेसिकली वो कोड क्या कर रहा है, जैसे टी, टी से पहले क्या आता है एस, टी के बाद क्या आता है यू, तो इसलिए उसने टी के लिए कोड क्या करा एस। हर शब्द के लिए कोडिंग इसी प्रकार से, जैसे इस वाले टी को देखिए तो टी से पहले एस आता है बाद में आता है यू, बस यही पैटर्न हमें फॉलो करना है। स्टाफ का कोड निकालना है तो एस से पहले आर आता है, एस के बाद टी आता है, तो मेरा आंसर आर ओ टी से स्टार्ट होना चाहिए, ये कभी भी मेरा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है टी, तो टी से पहले मतलब इतना कोड तो हमारा हो गया है, टी से पहले क्या आता है एस और टी के बाद आता है यू, तो एस यू तीनों में है, जेड बी तीनों में है, तो मैं शुरू के तीन को अब नहीं देख रहा, एफ के साथ में चलता हूँ, है ना। अच्छा यहाँ पर भी ई जी दोनों में है, ये क्योंकि बदल रहे हैं इसलिए इस कोड को चेक करना पड़ेगा। एफ से पहले ई आता है, एफ के बाद जी आता है, तो ई एफ जी मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। एफ के लिए फिर भी एक बार फिर से रिपीट होगा ई एफ जी, तो एफ का कोड ई जी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, सिलॉग का, सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है, न्याय निगमन का। सभी लाल पीले हैं, तो ये लीजिए सभी लाल पीले, सभी पीले भूरे हैं, सभी पीले भूरे हैं, निष्कर्ष क्या है, कुछ पीले लाल हैं, तो भाई कुछ पीले लाल हैं ये हमारा सही है, कुछ भूरे लाल हैं, कुछ भूरे लाल हैं ये भी हमारा सही है, कुछ लाल भूरे नहीं है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता गलत है, सॉरी कुछ लाल भूरे नहीं है निश्चित तौर पर गलत है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना सभी लाल भूरे हैं, आगे क्या सभी भूरे पीले हैं, सभी भूरे पीले हैं ये भी फॉलो नहीं करेगा, अनुसरण नहीं करेगा, इसलिए केवल एक और दो जो कि मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिखता है। आगे बढ़ेंगे, श्रृंखला पूरी करनी है। देखिए मेरे को केवल जब मैं श्रृंखला देखता हूँ तो सी बी और ए ही दिखता है, तो इस प्रकार की श्रृंखला में संभावनाएं होती हैं कि जैसे यहाँ पर सी और बी है ना, ए लिख दीजिए तो तीन का एक जोड़ा बन जाता है सी ए बी, बी ए सी, सी ए बी, बी ए सी, सी ए बी बी ए सी, एकदम परफेक्ट मिल गया है हमें, आंसर मैच करवाते हैं, तो ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, अब देखिए जब मैं नीचे ऑप्शन देखता हूँ तो भाई ई एफ एफ ई ये सारी सारी प्रकार की चीजें मिल रही हैं, तो श्रृंखला पूरी देखते हैं किस प्रकार से होगी। जैसे यहाँ पर ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई, डी ई एफ, एकदम परफेक्ट बैठ गया, तो आंसर होना चाहिए बी सी ई एफ, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, क्या बोलता, किताब को अखबार, अखबार को डिक्शनरी, डिक्शनरी को टेलीविजन, टेलीविजन को मैगजीन, मैगजीन को कंप्यूटर कहा जाता है, तो किस शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए कर सकते हैं, तो भाई हम ढूंढने के लिए डिक्शनरी यूज करते हैं, उसको क्या कहा गया टेलीविजन, तो आंसर बनेगा हमारा टेलीविजन अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य किस पर सोएगा, तो भाई मनुष्य बिस्तर पर सोता है और बिस्तर को कह दिया गया खिड़की, तो आंसर लगाएंगे हम लोग खिड़की, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मैं किसी भी छोर से कतार में सातवें स्थान पर हूं, तो अगर मैं लेफ्ट से भी सातवां, राइट से भी सातवां, तो लोगों की कुल संख्या 7 और 7 14 -1 13 होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, भाई पहला है बैंक नोट, तो बी ए एन गायब है तो ये आंसर नहीं बनेगा, बैक ड्रॉप्ड, तो बी ए सी के डी आर ओ पी टी, बैक ड्रॉप्ड बनाया जा सकता है, तो यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित करना है, चलिए ठीक है भाई, ई पी आई ये भी है, 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 और ई पी आई ये भी, यहाँ तक तो हमें पता नहीं चलता। इसके बाद ये टी है, टी 20वें नंबर पर आता है, एस 19वें नंबर पर आता है, जी 7वें नंबर पर आता है, टी 20वें नंबर पर आता है, और एल 12वें नंबर पर आता है। तो अब लोग हम अपने डिक्शनरी को जमा सकते हैं, सबसे पहले
सी होना चाहिए, तो सी से आंसर मेरा स्टार्ट हो रहा है, बी और डी इनके बीच लड़ाई होगी, है ना। सी हो गया हमारे पास, 7 के बाद 12 मतलब ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, तो सी के बाद ई मतलब बी मेरा सही जवाब है, डी मेरा कट जाएगा। चलिए ये थे हमारे 2 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुए वो। इसी प्रकार से मैं आपके लिए बाकी प्रश्न भी लेकर आऊंगा, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।